Assalamualaikum students of class KG. I hope you all are fine. Today I will talk you about singular and plurals. This is our seventh lesson of English, and we will read and solve the pages number 20, 21, 22, and 23. First of all, I will tell you about definition of singular noun and plural noun. आपको बताऊंगी सिंगुलर नाउन क्या होते हैं और प्लूरल नाउन क्या होते हैं. सिंगुलर होता है बच्चों एक शख्स, जगह या चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन है नेम्स वन पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कोई भी एक इंसान हो, जगह हो या चीज हो तो उसके लिए हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं. और प्लूरल नाउन यूज होते हैं नेम्स मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग, एक इंसान, एक से दो या दो से ज्यादा जो चीजें होती हैं, इंसान होते हैं या जगह होती हैं, उनको हम कहते हैं प्लूरल नाउन. यानी सिंगुलर जो होता है वो एक होता है, चाहे वो इंसान हो, जगह हो या चीज हो. और प्लूरल जो है वो ज्यादा होते हैं, दो या दो से ज्यादा होती है, चाहे वो इंसान हो, जगह हो या चीजें हो. तो बच्चों ये डेफिनेशन जो है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ये तो आपने अपनी नोटबुक पर लिखनी है. आगे हैं कुछ रूल्स, आपको कैसे पता चले कि हमने सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बनाने हैं. तो रूल्स फॉर प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं. पहला रूल है मोस्ट कॉमन नाउन्स, यानी जब हम ज्यादा सारे जो नाउन्स होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हम ज्यादातर के साथ एस का इजाफा करते हैं, हम उनके साथ एस लगाते हैं. जैसे चेयर हो गया, तो चेयर जब एक होगी तो हम सिर्फ चेयर बोलेंगे, सिंगुलर के लिए चेयर होगा. और जब हम उसको प्लूरल बनाएंगे तो उसके साथ एस का इजाफा कर देंगे तो वो बन जाएगा चेयर्स. इसी तरह पेंसिल है, जब एक होगी सिंगुलर होगी, और जब प्लूरल बनाएंगे तो उसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे तो वो बन जाएगा पेंसिल्स, ज्यादा के लिए पेंसिल्स और एक के लिए पेंसिल. इसके अलावा वो नाउन्स, मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन सी एच, एस एच, एस और एक्स, उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे es. वो नाउन जिनके आखिर में ch आता है, sh आता है, s आता है या x आता है, तो उनके साथ हमने es लगा के उनको प्लूरल बनाना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है पीच, तो जब पीच का एंड है ch, पीच के एंड में आ रहा है ch, जब आप देखेंगे कि एक लफ्ज के आखिर में ch आ रहा है तो आपने उसके साथ es का इजाफा करना है, तो इससे बन जाएगा peaches. Peach, peaches. Peaches सिंगुलर है और इसका प्लूरल हो जाएगा peaches. इसी तरह है ब्रश, ब्रश की लास्ट में आ रहा है sh, उसके जो आखिरी वर्ड लेटर्स हैं वो है sh, तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम इसके आगे लगा देंगे es, तो वो बन जाएगा ब्रशेस. सिंगुलर होगा ब्रश और प्लूरल हो जाएगा ब्रशेस. इसके अलावा मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, जब हमारे पास एक वर्ड है होगा जिसका आखिर में ओ आएगा लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा. आप सबको पता है वोवल्स कौन कौन से हैं, ए आई ओ यू, और उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है. तो जिस वर्ड में लास्ट में ओ आएगा और उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें भी आपने ES लगाकर उसको प्लूरल बनाना होगा. जैसे आपके पास वर्ड है मैंगो, तो इसके आखिर में अगर आप देखें तो ओ आ रहा है लेकिन ओ से पहले हमने जी लगाया है, तो जी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम इसके आखिर में जब हम प्लूरल बनाएंगे तो लगाएंगे ES, M A N G O E S, मैंगोज. सिंगुलर हो जाएगा मैंगो और प्लूरल हो जाएगा मैंगोज. इसके अलावा अगला वर्ड है पोटैटो, इसमें भी आखिर में ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसके आखिर में भी हम जब प्लूरल बनाएंगे तो लगाएंगे ई एस, तो बन जाएगा पोटैटोज. सिंगुलर हो जाएगा पोटैटो और प्लूरल हो जाएगा पोटैटोज. इसके अलावा दूसरा आखिरी रूल है मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन वोवल प्लस ओ, तो उनके साथ हमने एस लगाना है सिर्फ, यानी वो नाउन जिनके आखिर में ओ आता है लेकिन उससे पहले दूसरा एक और वॉवल भी आता है, यानी लास्ट में ओ और उससे पहले वॉवल आता है, तो उसके साथ हम सिर्फ एस लगाएंगे. जैसे आपके पास वर्ड है वीडियो, वीडियो में अगर आप देखें तो आखिर में ओ आ रहा है लेकिन ओ से पहले ई आ रहा है, दोनों वॉवल हैं, तो इसके आखिर में आपने जब प्लूरल बनाएंगे तो लगाएंगे वीडियोज, एस लगाएंगे सिर्फ वीडियोज.
इसके अलावा रेडियो है, रेडियो में भी आखिर में ओ आ रहा है और ओ से पहले है वॉवल, तो इसमें भी आपने सिर्फ एस का इजाफा करके इसको प्लूरल बनाना है और एस लगाएंगे तो बन जाएगा रेडियोज। सिंगुलर के लिए रेडियो और प्लूरल के लिए रेडियोज। तो बच्चों वो नाउन्स जिनके आखिर में सी एच एस एच एस और एक्स आता है उनके साथ हम आखिर में जब उनको प्लूरल बनाएंगे तो आखिर में लगाएंगे ई एस, उससे बन जाएगा वो प्लूरल। इसके अलावा वो वर्ड्स जिनके आखिर में ओ आता है और उस ओ से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें भी हमने ई एस लगाना होगा, लेकिन वो वर्ड्स जिनके आखिर में ओ आता है और ओ से पहले वोवल आता है वहां पे सिर्फ एस लगाया जाएगा। ये कुछ रूल्स थे जो आपको बताए गए हैं, इससे आपको प्लूरल बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रूल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों ओपन योर बुक्स पेज नंबर 20, इस पे आपने रीड करना है, आपको सिंगुलर और प्लूरल्स दिए गए हैं, आपने इनकी रीडिंग करनी है। फर्स्ट वन इज स्वीट, एक टॉफी है तो स्वीट। अब यहाँ पर देखें आखिर में एस लगाया है, स्वीट के आखिर में एस लगाया गया, उसको प्लूरल बनाया गया तो बन जाएगा स्वीट्स, ज्यादा टॉफियां हैं तो इसके लिए स्वीट्स। एक पेंसिल है तो इसके लिए हमने इन्होंने लिखा है पेंसिल, एक है तो पेंसिल, और यहाँ पर आपको ज्यादा पेंसिल फोर पेंसिल है तो इसके लिए हमने साथ में एस लगा के प्लूरल बनाया गया है पेंसिल्स। फिर एक पेन और तीन है तो पेन्स, यानी एक होगा तो पेन और अगर ज्यादा होंगे तो एस लगा के उनको पेन्स बना दिया गया है। अब है पेज नंबर 21, कैंडल कैंडल्स, बॉक्स बॉक्सेस। अब आप यहां पर देखेंगे बॉक्स के आखिर में एक्स आया है तो हमने रूल पढ़ा था कि जिन वर्ड्स के आखिर में एक्स आएगा तो उनके साथ हमने ई एस लगाना है, तो यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए हमने आगे ई एस लगाया तो बन जाएगा बॉक्सेस। इसके अलावा हमने ये भी रूल पढ़ा था कि जिन वर्ड्स के आखिर में एस आएगा तो उनके साथ भी ई एस का इजाफा करने से प्लूरल बनाएंगे, तो यहाँ पर है बस और बसेस, यहाँ पर भी हमने ES का इजाफा किया है तो प्लूरल बन गया बसेस, एक होगी तो बस और ज्यादा होंगी तो बसेस। नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 22, यहाँ पर आपने राइट प्लूरल्स, आपको सिंगुलर दिए गए हैं, आपने उनके प्लूरल्स बनाने हैं। फर्स्ट वन इज ट्री, पहला आपके लिए करके दिया गया है ट्री और ट्रीज, एस का इजाफा किया गया तो बन गया ट्रीज। दूसरा है पिक्चर, और हम फिर लिखेंगे एस का इजाफा करेंगे तो बन जाएगा पिक्चर्स। फोन फोन्स, पेज पेजेस, नेस्ट नेस्ट्स, बटन बटन्स, इन सब के आखिर में एस लगाने से प्लूरल बनाया गया है, तो ये आपने अपनी किताब के सफा नंबर 22 पर इस काम को करना है। नाउ ऑन पेज नंबर 23 राइट प्लूरल्स ग्लास ग्लासेस। अब यहाँ पर वो रूल आया है एस सी एच वाला जिसमें आपने ई एस का इजाफा करके प्लूरल बनाने हैं, तो ग्लास ग्लासेस, वॉच वॉचेस, सी एच आया है तो आगे ई एस आपने लगाना है, ड्रेस ड्रेसेस, ई एस का इजाफा करेंगे तो ड्रेसेस बन जाएगा, टोमेटो टोमेटोज, यानी ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर भी आपने ई एस ही लगाना है, इससे प्लूरल बन जाएगा, पोटैटो पोटैटोज, ब्रांच ब्रांचेस, यानी इन सब में आपने ई एस लगाना है जिससे प्लूरल बन जाएगा, ग्लास ग्लासेस, वॉच वॉचेस, ड्रेस ड्रेसेस, टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज, ब्रांच ब्रांचेस। तो बच्चों ये काम भी आपने अपनी किताब पर ही करना है, पेज नंबर 22 और 23 आपने बुक पर सॉल्व करने हैं। अब कुछ सिंगुलर प्लूरल आपके लिए लिखे गए हैं जो कि आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फर्स्ट सिंगुलर इज ट्री, प्लूरल है ट्रीज, पेंसिल पेंसिल्स, फोन फोन्स, ग्लास ग्लासेस, वॉच वॉचेस, टोमेटो टोमेटोज, ब्रांच ब्रांचेस, ये सिंगुलर प्लूरल आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब आपका होम असाइनमेंट है कि आपने डू पेजेस 20, 21, 22 and 23 ऑन बुक, यानी जो रीडिंग करनी है जिन पेजेस की वो आपने रीड भी करने हैं और सॉल्व करने के जो पेजेस हैं वो आपने सॉल्व भी करने हैं बुक पर।
राइट डाउन डेफिनेशन एंड सिंगुलर प्लूरल ऑन नोटबुक। आपने जो आपको डेफिनेशन बताई गई थी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की, वो आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है, और जो आपको सिंगुलर प्लूरल लिखकर दिए गए हैं वो आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको काम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप अच्छे तरीके से अपने काम को कर देंगे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।